दोस्तों आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे होंगे तरह तरह के, कोई गाड़ी में कुछ खिलाते हैं तो कोई स्टॉल्स बना के रखते हैं, कोई रेडी बना के रखते हैं तो कोई कुछ। तो आज मैं आपको खिलाने वाला हूँ सूरत के फेमस सैंडविच जो कि है बुलेट सैंडविच। जी हाँ, बुलेट क्यों है, क्योंकि ये बुलेट पर ही रेस्टोरेंट अपना बनाए हुए हैं। जी हाँ, जो रॉयल इनफील्ड वालों की बुलेट आती है उस पर अपना बनाए हुए हैं, तो मैं दिखाता हूँ। और ये जो गाड़ी मेरे बराबर में आप देख रहे हो, ये सब इस बुलेट से ही ली हुई है इसी स्टॉल से। तो आप ज़रा दिखाता हूँ पहले आपको एक सेकेंड। ये देखो, ये जो बुलेट है ये इस बुलेट से ही सारा का सारा जुड़ा हुआ है फर्स्ट, और इस बुलेट से ही जुड़ा हुआ है सारा रेस्टोरेंट। और ये बेसिकली जो चीज़ सैंडविच होते हैं, वेज सैंडविच होते हैं, वो यहाँ पर बनाते हैं। अभी चलेंगे भाई के पास और जानेंगे क्या सैंडविच है, और टेस्ट भी करेंगे, पूरा मज़ा आने वाला। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, कैसे भैया आप? बढ़िया, एक नंबर। तो अभी जो सैंडविच मिलते हैं अपने यहाँ सर, कितने टाइप के मिलते हैं? 7-8 टाइप के अलग अलग। ओके ओके, तो जो बेस्ट है आपका, सबसे बढ़िया जो आप मतलब मैक्सिमम सेलिंग है वो चीज़ गार्लिक ओपन फायर है। ओके, तो आप बना दीजिए। ठीक है, तो गार्लिक जो फायर करके उसको ग्रिल वगैरह करेंगे तो वो रेडी कर रहे हैं। फिलहाल इवनिंग का टाइम हो रहा है, लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। यहाँ पर राहुल राज करके मॉल है उसके, और यहाँ पर जोली, ओके राहुल राज करके यहाँ पर मॉल है उसके जस्ट बगल वाला रास्ता है, आपको दिख जाएगा। और अगर आप ओके और डीएमडी पार्टी प्लॉट ये जस्ट पीछे ही है यहाँ पर, उसके अलावा अगर कोई भी इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा गूगल मैप का, आप उसके थ्रू आ सकते हैं अगर आप सूरत के अंदर आते हैं तो, क्योंकि सूरत में फूड्स काफ़ी फेमस है। चलिए फटाफट से, सैंडविच बनने वाला है ग्रिल सैंडविच, क्योंकि अभी यहाँ पर फायर से करेंगे तैयार। इनका स्पेशल सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है यहाँ पे, तो अभी लगाया भैया ने यहाँ पर बटर खूब सारा। चलिए, ये आ गई आपकी ग्रीन चटनी, तीखा थोड़ा कम ही रखना, मुझे पता है यहाँ के लोग तीखा और मीठा बहुत, अच्छा इतना भी नहीं होगा, वेरी गुड। अब ये वेजिटेबल्स जिसमें कैप्सिकम ऑनियंस आ गए, ठीक है, ग्रीन गार्लिक और धनिया इसमें आ चुका है, वेरी गुड। मसाले आपके सीक्रेट्स? हाँ वो होममेड ही है, होममेड ही है। हाँ कुछ लोग बोलते हैं ना, लेकिन वाकई में सही बात है, सही बात। ऐसे सब डेयरी प्रोडक्ट में अमूल का यूज़ करता हूँ। ओके, तो कितना टाइम हो गया सर आपको अपना? अभी 3 साल कम्प्लीट हुआ। ओके, तो आपने यूट्यूब पर देखा ही होगा सर को, काफ़ी फेमस है। अगर मैं कहूँ तो सूरत में कोई फेमस फूड है तो टॉप 5 में लेंगे तो सर का नाम भी आएगा बिल्कुल। और अगर सूरत वाले मंगाना चाहे तो स्विगी वगैरह पे भी है आपका? ना पहले था जब मैं कोविड के टाइम पे शॉप चला था ना, अच्छा अच्छा, वो टाइम पे जोमेटो पे था। अच्छा, अभी यहाँ रोड साइड है तो फिर नहीं है, नहीं होता। हाँ सही बात है, लोकली वाले लोग इतने आ जाते हैं, फिर वो दरागी के टाइम पे उसका ऑर्डर गिरता है, उसका वो हिसाब देखता नहीं, कटता ज़्यादा है उसमें। तो जो ग्रिल वाला है सर, इसका प्राइस क्या रहता है? किसका ग्रिल वाला जो बना रहे हो आप? ये अभी जो आपका बना रहा वो 120 का। 120 का, और जो सबसे लोएस्ट प्राइस का होता है वो सैंडविच कितने का? वो 90 का है। 90 का, और रोस्ट सैंडविच है 70 का। रोस्ट 70, उसमें वेजिटेबल्स लगाते हैं? हाँ वेजिटेबल्स हैं, बेस बनाते हैं। हाँ बस, विदाउट चीज़ रहता है, विदाउट चीज़ रहता है। चलिए, और टाइमिंग क्या रहती है आपकी बेसिकली? यहाँ दोपहर को 3 बजे से रात को 11:30 तक मिल जाता है। और कोई ऑफ डे रहता है? नहीं ऑफ डे तो नहीं रहता, अभी ये रोड साइड है तो कभी एसएमसी का दबान रहेगा, जब समझ लो कोई आने वाला होगा तो हम उनको बोल जाते हैं कि मत लगाना, तो वो टाइम पे हम लोग नहीं लगाते, बाकी टाइम रहता है 24/7। हाँ रहता है। चलिए, तो पूरे वीक आपको मिलेगा, ऐसा कोई दिन नहीं है, तो बस आप आएँ और यहाँ पर वेट करें, इंटरेस्टिंग सैंडविच टेस्ट करें। तो अभी बन रहा है हमारा, अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम भी टेस्ट करके बताते हैं। बड़े भैया एक बात और बताओ, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? कहीं यूट्यूब से ही। अच्छा, यूट्यूब से ही आइडिया आया? यूट्यूब और प्रिंटेड, मेरे को सिंगल आइटम चालू करने का था, फूड कट सब देख रहा था। अच्छा अच्छा, तो उसमें आउट स्टेट के है बुलेट के, उसमें नॉनवेज पकाते हैं। अच्छा, और थोड़े आउट कंट्री के भी वीडियो ऐसे। ओके, जो प्रिंटेड में मुझे मिले थे, मतलब इंडिया में तो मेरे ख्याल से आपने स्टार्ट। हाँ वेज में तो अपना अकेला ही, बाकी क्या था सब ना, बुलेट के साइड में खाली बारबेक्यू लगा के उसमें खाली चिकन विकन पकाते थे,
लेकिन आपका ये प्रॉपर ग्रुप से कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। और दूसरा क्या है, मेरा कजिन है ना जो आर्किटेक्ट है, अच्छा, उससे पूरा डिजाइन बनवाया, प्रॉपर किचन टाइप बना दिया, मतलब सब ड्रॉर बोर्ड सब सीढ़ी सब इसी में इंक्लूड है सर। अभी आप देख सकते हैं ये सब कुछ एक ब्लड से कनेक्टेड है और प्रॉपर, एक कोई भी कमी नहीं है, हर चीज़ एक डिजाइनेड है और ये आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है भाई। तो अभी बस ट्रेस करने वाले हैं, बड़ा मज़ा आया यार, बहुत देखा इनके बारे में। तो अभी बस अच्छा कुछ ये दिखाता हूँ मैं, ये रेट लिस्ट है, एक बार दिखा दो जरा रेट लिस्ट। जो रो सैंडविच है वो 70-90 के, टोस्ट वाले आपको 90 और 100 के, और अगर आपको 5 टोस्ट चाहिए तो 110 से स्टार्ट है, 150 तक आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा चीज़ के 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। चलो तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यहीं से लेते हैं एक स्लाइस को। ये देखो कंप्लीट चीज़ फायर और इसमें वेज वगैरह कंप्लीट आ रही है, और सेका भी अच्छे से, फ्राई भी अच्छे से हुआ है। अमूल की चीज़ की है यूज़, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। वेज भी पूरी भर भर के है और सेका भी काफ़ी अच्छे से है, मतलब ये कह सकते हैं कि वर्थ इट है इतने में जितना प्राइस है, और काफ़ी अच्छी है तभी लोग पसंद कर रहे हैं। कभी आओ ना यहाँ पर तो ये वाला जरूर से ट्राई करना, ये ग्रिल फायर टोस्ट सैंडविच है, काफ़ी टेस्टी है यार।